Chinese customer zero. Yeah, no. Dure, no customer. Making video. Okay. Thank you. Welcome. India. Done. Cheers. Yeah. मेंडले का सेंटर पॉइंट है। ये चारों तरफ लंबी किले की तरह दीवार है और इसके साथ साथ ये लेक की तरह पानी है। मैं सुबह सुबह जब कम्मू से मेंडले आया था, बस से उतरा तो 5:30 बजे के करीब होटल की तरफ पैदल निकला तो यही पॉइंट सबसे पहले मुझे मिला। और इसके आसपास उस साइड में लड़कियाँ, बुजुर्ग और बच्चे सब एक्सरसाइज करते हैं, डांस क्लास करते हैं, कराटे क्लास हो रही थी सुबह। और इधर पास में ही रॉयल पैलेस भी है। ये रॉयल पैलेस के सामने रोड पर देखिए, ये लेडीज पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, जो चलान काट रही है। और ये बहुत ही खूबसूरत लड़कियां हैं, मतलब हमारे यहाँ ऐसी लड़कियां अगर ट्रैफिक में हो तो आदमी कहेगा बार बार चलान कर दो, मेरा भाई खुद रोक के खड़ा हो जाएगा, काटो चलान। और ये देखिए, ये यहाँ चेकिंग चल रही है और चेकिंग के दौरान जिसके पास लाइसेंस नहीं है या लाइट जंप किया है तो ये देखिए उनका चलान काटा जा रहा है। ये ओवरलोडिंग गाड़ी थी, इसको भी रोक लिया है। चलो अब रॉयल पैलेस देखा जाए। ये टैक्सी स्टैंड है, अभी यहाँ से मुझे टिकट लेनी पड़ेगी 10,000। क्या हाय, दिस इज अ टिकट काउंटर 10,000। यू एक्सेप्ट कार्ड For ticket? $10,000. Only cash? No. $10,000? Yeah. Please, one ticket. Where you come from? India. Hello. Thank you. Entry gate है Royal Palace के लिए, तो चलिए एंट्री करते हैं। ये अभी मैं एंटर कर चुका हूँ Royal Palace में। No. ये सब अंदर भी आपको बाइकर मिलेंगे जो ज़बरदस्ती आपको बोलेंगे अंदर 1 किलोमीटर जाने के लिए 1,000 दीजिए और 1,000 आने का, 1,000 जाने का। ये टिकट है 1,000 कैथ, आपको ये टिकट लेकर अंदर जाना पड़ेगा। पीछे राजा रानी के हथियार हैं जो रॉयल पैलेस में रखे गए हैं दिखाने के लिए। तो ये बहुत पुराना आर्किटेक्ट डिज़ाइन का बना हुआ खूबसूरत रॉयल महल है रॉयल पैलेस। ये यहाँ के राजा रानी की बैठे हुए, इसलिए इनकी रिस्पेक्ट में शूज बाहर उतार कर आने पड़ते हैं अंदर। स्माइल बच्चे फोटो खिंचवा रहे हैं राजा रानी के साथ। पूरा वुडन का बना हुआ है ये। और ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बताया अभी किसी ने लोकल ने के यहाँ राजा ऊपर बैठता था तो और शायद यहाँ कुछ फैसले किए जाते थे, जो क्राइम हो या कुछ भी हो तो उनका फैसला यहाँ ऊपर बैठकर राजा करते थे। अभी तो मैं ही बैठा हूँ और कोई नहीं है। ये हॉल ऑफ विक्ट्री, यहाँ भी वो पीछे राजा बैठा है, राजा का स्टैचू है, हॉल ऑफ विक्ट्री है ये।
जब जीत के आते थे तो यही जश्न होता होगा, पैग पुग चलता होना इतने राजा दे जीत के आए। सब लकड़ी का बना हुआ है। बहुत खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है। कितने लोग लगे होंगे इसे बनाने में। रॉयल पैलेस के अंदर ही बारादरी है ये, कुछ बस अंदर घुसते जाओ देखते जाओ। ये है सेंट्रल प्लेस, महल का सेंट्रल प्लेस है जी। यहाँ भी जूते पहनकर नहीं जा सकते। हेलो, मेकिंग वीडियो, थैंक यू, वेलकम वेलकम। ये भी दोस्त बने हैं अभी अभी जो रॉयल पैलेस देख रहे हैं। पूरा गांव का गांव ही बसा हुआ है और पूरे लकड़ी के ही मकान हैं सारे। ये बहुत सारे हैं, आप घूमते घूमते 2 घंटे लग जाएंगे अगर सबके अंदर जाओगे एक एक बार। रानी की बिल्ली मिल गई मुझे यहाँ। ये बहुत क्यूट बिल्ली है, मैंने एक आवाज़ दी और मेरे पास आके बैठ गई। हाँ 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 हाँ, चल 200। तो ये रॉयल पैलेस में बाथरूम है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो 200 कयात दीजिए और बाथरूम यूज कर सकते हैं। 200 कैद मतलब इंडिया का 10 रुपया हुआ, तो 10 रुपये आपको बाथरूम करने के लिए देने पड़ेंगे राजा के महल में। सब पीछे मेरे चिंगपोंग आए हैं अभी चाइना वाले। तो अभी रह गया मेरा क्लॉक टावर, मेरे पीछे ये है क्लॉक टावर। चलते हैं क्लॉक टावर के ऊपर। शुरू हो गया ये सीढ़ियों का सिलसिला, और कुछ नहीं तो यहाँ चल के सीढ़ियाँ चढ़ के वेट लूज तो पक्का होने वाला है। ये क्लॉक टावर की सीढ़ियाँ हैं। क्लॉक टावर के ऊपर हूँ और ये पीछे सारा रॉयल पैलेस है। ऊपर से बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है रॉयल पैलेस। ये मेन रॉयल पैलेस की एंट्री, राजा के महल की मेन एंट्री से यहाँ से हम अंदर आए थे। और ये सब पीछे छोटी छोटी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, कोई सेंटर हॉल है, और वो पीछे यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा लेकिन वो पीछे है मैंडले हिल। मैंडले हिल है, पुगाडास है इधर पास में ही, सब पास पास में ही है वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये इस साइड में पूरा जंगल है और इसके इस साइड में गेट पे पूरा आर्मी के हैंडओवर किया गया है। यहाँ से फॉरेनर की एंट्री नहीं है, वो काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये सीढ़ियों का वन वे ट्रैफिक है जी। ओके, कम ऑन। एक ही गाड़ी पास होती है यहाँ से। हेलो, अरे
चाइनीज लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। ये अभी क्लॉक टावर से नीचे आ गया हूँ, तो रॉयल पैलेस का सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं। 2 घंटे लग गए मुझे पूरा रॉयल पैलेस घूमते घूमते। अभी आपको रानी का जल महल भी दिखा देते हैं, हो सकता है इसमें कभी रानी और उसकी गोलियाँ नहाती हों। ये नहाने के लिए जो पुराना राजा महाराजों का रहता था वो नहाने वाला प्लेस है, लेकिन अभी पानी इतना गंदा हो चुका है कि यहाँ कोई नहा तो क्या हाथ भी नहीं धो सकता। किसी समय यहाँ गुलाब की पंखड़ियाँ डालकर रानी नहाती होगी, अभी इसमें कुछ नहीं है, कबूतर बैठते हैं। ये पूरा वो क्लॉक टावर टावर ही है, क्लॉक तो कहीं दिखा नहीं मुझे, लेकिन बोलते हैं इसको रॉयल पैलेस का क्लॉक टावर है। अभी चलते हैं बाहर की तरफ, भूख भी लग रही है थोड़ी। सब तरफ चिंग पोंग हो रही है। ये तोप है राजा महाराजा की। बस इतना ही है रॉयल पैलेस। ये ऊपर ढोल लटक रहा है, ये भी एक क्लॉक टावर है। हो सकता है ये ढोल बजाते हो जब राजा को कोई संदेश देना हो। सब लड़की हो लड़का हो आपको स्माइल करके ही जाएगा, बहुत अच्छे लोग हैं। ये कैंटीन है रॉयल पैलेस के अंदर। इट्स आर्मी कैंटीन? यस आर्मी कैंटीन। ओके, सो लोकल पर्सन नॉट अलाउड? आई एम फ्रॉम इंडिया। यस इतने माय फ्रेंड रॉयल पैलेस कैंटीन में। यस कैंटीन में अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ। और ये भाई बना रहा है। हेलो, अभी थोड़ा भूख लगी है इसलिए यहाँ थोड़ा खा के जाऊँगा, एक कप कॉफ़ी हो जाए। तो ये आर्मी कैंटीन है, यहाँ बाहर वालों को वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन मैं चले गया तो उन्होंने मुझे खाना दे दिया, कॉफ़ी भी दे दी। और ये एक लॉन्च एनर्जी ड्रिंक है, अभी थोड़ी सी चलने के लिए और एनर्जी आ जाएगी। बहुत अच्छे लोग हैं, आर्मी वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं, और अच्छी कैंटीन थी, सस्ता मिल गया नूडल्स कॉफ़ी और ये एनर्जी ड्रिंक 1200। 500 का एनर्जी ड्रिंक, 500 का नूडल्स और 200 का कॉफ़ी का कप, तो 1200 कैद का मेरा ये लंच भी हो गया और आर्मी वालों से मुलाकात भी हो गई। मुझे अभी बस स्टेशन जाना है, बस स्टेशन से गाड़ी लेनी है यनगोन के लिए। फ्री टी, फ्री टी, संडे टी फॉर प्रमोशन। ओके, गुड, चीयर्स। फ्री टी इन म्यांमार, म्यांमार फ्री टी, फ्री टी। सो गाइस, म्यांमार इन संडे टी फॉर फ्री प्रमोशन, इट्स गुड टेस्ट।
No problem.